পাসড হয়ে গেছে কিন্তু সাতটা স্টেট তো অ্যাকসেপ্ট করেনি না ব্যাপারটা সারা দেশ প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছে জামিয়া মিডিয়া এবং আরও অন্যান্য জায়গায় আলিগড় সমস্ত জায়গায় পুলিশের যা আচরণ সেটার বিরুদ্ধে আমি তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছি আর আমাদের এই যে দেশ এই দেশটা একটা মানে একটা বিনিসুতোর মালায় গাঁথা কারণ এত রকমের আমাদের কালচার এত রকমের ধর্ম এত রকমের ভাষা যে একটা যেটা বিনিসুতোর মালায় গাঁথা সেটা হচ্ছে সেকুলারিজম সেইটা যদি ছিঁড়ে যায় তাহলে আমাদের দেশ টুকরো টুকরো হয়ে যাবে ब्राह्मण वाद जो ऊंची जाति होती है ऊंची जाति के लेकर होता है ना कि ऊंची जात और नीचे वाले लोग को दबा करके रखना उसको गरीबी में लाना और उस पर आजादी करना NRC इसलिए कर दिया कि मैंने मुस्लिम का नाम ले लिया कि हिंदू लोग भी मेरे साथ में हो जाएंगे और उसके बाद ये मुसलमान को हम परेशान करते रहेंगे और हिंदू को नहीं करेंगे लेकिन ऐसी बात नहीं है ये सबको परेशान करेंगे नया कानून बना है वो हमारे मुल्क के संविधान के खिलाफ है हमारे मुल्क में जो एक जमहूरी निज़ाम है उसके खिलाफ है हम इस बिल के पुरजोर मजम्मत करते हैं और मुखालफत के साथ हम लोग यहाँ पर आए हैं और आखिरी दम तक हम लोग इस बिल को मुखालफत करते रहे आजादी। ये खून से प्यारा। आजादी। ये हाँ।